अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कैसे हैं आप सब? वालेकुम सलाम। ये मेरी बड़ी बहू है आजरा। कहाँ रह गई थी तू? अम्मी नमाज पढ़ रही थी। अब आपको तो पता ही है, एक बार मैं मुसल्ले पे बैठ जाऊं तो फिर मुझे उठाना बड़ा मुश्किल होता है, दिल ही नहीं करता ना उठने का। बस फिर मैं होती हूँ और मेरा रब होता है। हाय। हाँ अंकल, आप कैसे? उस दिन तो आपसे मुलाकात ही नहीं हुई, हम आपके घर आए थे। जी हाँ, मैं बेहद माजरत ख्वाह हूँ, उस रोज किसी वजह से मुझे ताखीर हो गई घर आने में। आपको पता है, हमारी सास ने तो हम सबका जीना हराम किया हुआ था कि मेहमान आने वाले, सबको अलर्ट करके रखा हुआ था कि कोई कहीं नहीं जाएगा, सबको घर में होना जरूरी है। इसे कहते हैं मेहमानों की इज्जत करना। उमर, अंबर, बेटा आओ जल्दी, सलाम करो मेहमानों को। ये मेरी बेटी है अंबर और वो मेरा बेटा है उमर। जीते रहो। अरे अम्मी, पता है अंबर ने मुझे बताया कि आपने इतने मजे के शामी कबाब बनाए हैं। मैंने कहा हाँ, उनके तो हाथ में है ही जायका। चलो बेटा शामी कबाब ले लो, दादी के हाथ के कहाँ मौका मिलता है दादी के हाथ के खाने खाने का ज्यादा। माशाल्लाह बहुत जायका है मेरी सास के हाथ में। एक काम करो, ये दो समोसे भी ले लो। शाबाश, जल्दी से। भाई बहुत जायकेदार खाना बनाती हैं हमारी सास, माशाल्लाह से बड़ा जायका है इनके हाथ में, क्या बताऊं मैं। आप लोग लेना, आप लोग लिए, अम्मी आपको दो। बस दही बड़े खाऊंगी मैं तो। वो अच्छा भाई साहब, मैं आपको एक बात बता दूं कि बड़ी बेटी की शादी पे कोई जहेज नहीं लिया हमने, दूसरे बेटे की शादी की फिर भी कोई जहेज नहीं लिया, और अब भी शादी पर कोई जहेज आपसे नहीं लेंगे, आपसे कोई एक सुई तक नहीं मांगेंगे हम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, इस बात की गवाही तो मैं भी दूंगी। हमसे भी ना इन्होंने एक दिन का नहीं लिया जहेज के नाम पर। बस जो कुछ भी दिया ना, वो मेरे माँ बाप ने अपनी खुशी से दिया। पता है, शीशम की लकड़ी का फर्नीचर दिया था, उस वक्त 3.5 लाख का था, अब तो होगा कुछ 7-8 लाख का, है ना अम्मी? और 3 तोले सोना चढ़ाया था मेरे घर वालों ने। हाँ बस जरा सा लड़कियों का दिल बहल जाता है ना, अपने माँ बाप की दीवी चीजें देखती हैं तो जरा खुशी और ही होती है उस चीज की। आप अपनी बेटी को दें तो आपकी खुशी, और ना दे तो उस बिचारी का नसीब। बस अजरा, बड़ों को बात कर लेने दो। मैं क्या हो गया, मैं भी तो बड़ी बहू इस घर की है। वैसे ना हमारी सास को ना आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, बहुत तारीफें कर रही थी उसकी। हमारा तो इरादा था कि हम ना जरा भरे घर की लड़की लेकर आएंगे, मुख्तसर फैमिली की लड़की का हमने सोचा भी नहीं था, क्योंकि माशाल्लाह से हमारा इतना भरा पूरा घर है, आपको पता है 10 लोगों का खाना मैं यूं मिनटों में 40 मिनट में बना लेती हूँ। बताए अम्मी, आपको पूछे मेरी सास से। आपको ना थोड़ी सी अपनी बेटी को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जरा उसमें फुर्ती डालनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगा थोड़ी सी सुस्त है बेचारी, है ना। असल में हमारी जो रोटियां बनती है ना, वो माशाल्लाह बहुत सारी बनती है, अच्छी खुराक है सबकी, देखे ना कैसे लंबे चौड़े हैं माशाल्लाह से। तो जरा उसको रोटियां बनाना सिखा दीजिएगा, हमारे यहाँ बिल्कुल गोल रोटियां खाई जाती है बगैर जली हुई। रोटियां बनानी आती है मेरी बेटी को। अच्छा आती है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे घर में तो सब मिलके काम करते हैं। बहुत अच्छे बनाए।